हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भिक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, एनपीएस वर्सेस यूपीएस वर्सेस ओपीएस बेस्ट कंपैरिजन। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, जब से कल से यूपीएस आया यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम, तब से आप लोग के मन में काफ़ी भ्रम पैदा हो गया है कि ये हमारे लिए अच्छा है या बुरा है, और अगर अच्छा है तो कितना अच्छा है, क्या ये ओपीएस के बराबर है, क्या ये ओपीएस की बराबरी कर सकता है, या फिर ये एनपीएस से थोड़ा सा अच्छा है लेकिन ओपीएस की बराबरी नहीं कर सकता है, या फिर ये एनपीएस के बिल्कुल बराबर ही है, या फिर एनपीएस से भी ख़राब साबित हो जाएगा। मतलब आखिर ये है क्या चीज़, अभी तक कोई क्लियरली समझ नहीं पाया है। इसीलिए मैं ये एक ऐसा वीडियो लेकर के आया हूँ जिसके माध्यम से मैं आप लोग को बिल्कुल आसान भाषा में समझाऊँगा कि आपका यूपीएस है क्या। क्योंकि आप जान रहे हैं यूपीएस कल लागू हुआ है, और मैं 24 घंटे के बाद ये वीडियो आप लोग के सामने ला रहा हूँ, क्योंकि मैं पूरा 24 घंटा लगाया हूँ इसे समझने में, परखने में कि इसमें क्या क्या चीज़ हैं, ठीक है, यानी क्या क्या बदलाव हुए हैं, क्या क्या इसमें एनपीएस से अलग है, क्या क्या इसमें ओपीएस से अलग है, और क्या क्या इसमें फ़ायदे आपको मिल रहे हैं, और क्या क्या आपको इसमें नुकसान मिल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यूपीएस को बिल्कुल आसान भाषा में समझे, ये बहुत ख़तरनाक साबित होने वाला है। जी हाँ फ्रेंड्स, ये कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ख़तरनाक साबित होने वाला है। आप लोग को मालूम होगा, जब एनपीएस 2004 में आया था, उस टाइम भी कोई इसका विरोध नहीं किया था, क्योंकि नया नया था, सबको ये अच्छा लग रहा था। लेकिन जब लोग रिटायर्ड होने स्टार्ट हुए तो आपको कमियां दिखने लगी, कोई 200 पेंशन पाया, कोई 500 पाया, कोई 1000 पाया, तो इसका लगातार विरोध बढ़ते गया। हर जगह की यूनियनों ने विरोध किया, हर एक ट्रेड यूनियन ने विरोध किया, हर एक फेडरेशन ने विरोध किया, और जिसका परिणाम कल कुछ हद तक आपको मिला लेकिन पूरी तरीके से नहीं मिला है, और आज भी आपकी डिमांड जारी है ओपीएस के लिए, लेकिन अभी भी कोई पूरी तरह समझ नहीं पाया है कि इसका विरोध अभी भी क्यों जारी है और ओपीएस अभी भी क्यों चाहिए। ठीक है, लोग एक दूसरे का देखे देखा विरोध कर रहे हैं और सब कर रहे हैं, कोई पूरी तरह से इस बात को समझा नहीं है, जो मैं आज आपको समझाने का प्रयास करूँगा पूरे कंपेरिजन से, पूरे तुलना से, कि एनपीएस में आपका ये पॉइंट क्या है, यूपीएस में क्या है और ओपीएस में क्या है, तीनों में समझाने का प्रयास करूँगा। ठीक है, मैंने एक चार्ट बनाया है, मैं उसके माध्यम से एक टेबल बनाया, उसके माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करूँगा। तो टेबल देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ओपीएस है, यूपीएस है, एनपीएस है। पहले हम एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन का बात करें, तो फ्रेंड्स आपको मालूम होगा ओपीएस में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करना होता था एम्प्लॉय को, यानी अपने पास से एक पैसा नहीं देना होता था एम्प्लॉय को बाद में पेंशन के लिए या रिटायरमेंट पे पैसा लेने के लिए। किसी भी काम के लिए एम्प्लॉय को अपना पैसा कहीं भी जमा नहीं करना होता था, किसी भी शेयर मार्केट में नहीं लगाना होता था। लेकिन यूपीएस में आपको कंट्रीब्यूशन 10% देना है, जैसा कि एनपीएस में भी 10% कंट्रीब्यूशन देना होता है, लेकिन दोनों कंट्रीब्यूशन में काफ़ी डिफरेंस है। ये चीज़ अभी बहुत से लोग नहीं समझ पाए हैं, इन लोग को लग रहा है कि यूपीएस का कंट्रीब्यूशन एनपीएस के कंट्रीब्यूशन के ही तरह है, तो ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इन दोनों कंट्रीब्यूशन में बिल्कुल डिफरेंस है, अभी मैं आगे समझाऊंगा जब ये पॉइंट आएगा तो। ठीक, अब आगे एश्योर्ड पेंशन। तो आप जान रहे एनपीएस में कोई एश्योरेंस नहीं था, कोई गारंटी नहीं था आपके पेंशन का, तो कहीं ना कहीं ये एनपीएस इस मामले में थोड़ा सा अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे एश्योर्ड पेंशन दे रहा है, बट कितना दे रहा है, कैसे कैलकुलेट कर रहा है, इसको जानने की ज़रूरत है। और ओपीएस में तो जानते थे लास्ट सैलरी का 50% एश्योर पेंशन होता था। अब बहुत से लोग कमेंट करेंगे, लास्ट सैलरी का मतलब क्या है, हमारे सारे अलाउंसेस जोड़ के? तो ऐसा नहीं होता है, आपके बेसिक पे और डीए को जोड़ करके जितनी सैलरी बनती है उसी को आपको क्या कहते हैं, बेसिक सैलरी कह देते हैं डायरेक्टली। ठीक है, बेसिक पे प्लस डीए को जोड़ करके उसका 50% जो लास्ट मंथ का होता है वो ओपीएस में मिलता है। लेकिन यूपीएस में यहाँ भी खेला कर दिया गया है, यहाँ पर आपका लास्ट मंथ का नहीं जोड़ा जाएगा, लास्ट के 1 ईयर का जोड़ा जाएगा, यानी कि 12 मंथ्स का जोड़ा जाएगा, जोड़ करके उसका 12 से डिवाइड करके एवरेज निकाला जाएगा। यानी इसमें भी कहीं ना कहीं आपका 2,500-2,500 रुपये का घाटा होगा, क्योंकि एक साल में सबका इंक्रीमेंट लगता ही लगता है, 2,500-2,500 रुपये लगभग बढ़ ही जाता है। ठीक है, तो 12 महीने का एवरेज निकाला जाएगा, तो वहाँ से आपका पेंशन स्टार्ट होगा 12 महीने के बेसिक प्लस डीए का। तो यहाँ पे यूपीएस क्या है, एनपीएस से आगे निकल गए हैं लेकिन ओपीएस की बराबरी नहीं कर पाया। अब बात करें मिनिमम टेन्योर फॉर फुल पेंशन, यानी फुल पेंशन के लिए मिनिमम कितने कार्यकाल की आपकी ज़रूरत होती है, तो ओपीएस के लिए 20 साल कहा जाता है, जबकि देखा जाए अगर 20 से भी कम रहता है तो भी पेंशन ज़्यादा कम नहीं होता है। जैसा कि यहाँ बोल दिया गया है यूपीएस में 25 साल के लिए, अगर 25 साल से कम है तो 10 कर दिया जाएगा 10 साल के लिए, उसके बाद साल के हिसाब से उसी रेशियो में बढ़ाया जाएगा कि 11 साल पे 22%, 12 साल पे 24%, 13 साल पे 26%, ऐसा किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कहानी है। तो यहाँ पे भी देखा जाए तो ये ओपीएस की बराबरी नहीं कर सकता है, लेकिन यहाँ पर भी आपका क्या है, एनपीएस से आगे निकल गया, क्योंकि ये आपको एश्योर्ड पेंशन दे रहा है। ठीक है, मतलब
और क्या कहा जाए, मिनिमम जब एसोर्ड पेंशन दे रहा है तो मिनिमम टेन्योर रखा हुआ है, लेकिन एनपीएस में एसोर्ड पेंशन है ही नहीं तो मिनिमम टेन्योर की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि वो क्या पेंशन देगा क्या नहीं देगा कोई नहीं जानता है, सब कुछ शेयर पर डिपेंडेंट है। अब बात करें प्रोपोर्शनेट पेंशन फॉर लेसर सर्विस, यानी कि अगर आप कम सर्विस करते हैं तो आपको प्रोपोर्शनेट पेंशन मिलेगा, यानी कि उसी प्रोपोर्शन में मिलेगा, यानी जितना कम सर्विस करेंगे उतना कम आपका पेंशन बनेगा। तो ये चीज़ दोनों में क्राइटेरिया है, बट मैंने फिर मतलब पहले ही कहा कि ओपीएस में ये ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है अगर आप कम सर्विस करते हैं तो भी, लेकिन यूपीएस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आने वाला है अगर आपका सर्विस 25 साल से कम हो जाता है तो, ठीक है। और एनपीएस में ऐसा कुछ है ही नहीं, तो खाली है। अब बात करते हैं मिनिमम टेन्योर फॉर एश्योर्ड पेंशन, ठीक है, 10 ईयर्स 10 ईयर्स दोनों में है, यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं, 10 ईयर्स होना ही चाहिए अगर आपको कुछ भी पेंशन चाहिए, थोड़ा सा भी पेंशन चाहिए तो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, आपका ओपीएस में कितना भी बताऊँगा और यूपीएस में कितना भी बताऊँगा, लेकिन मिनिमम दोनों का कंडीशन यहाँ 10 ईयर्स सेम है। यहाँ पे क्या है, लगभग बराबरी कर लिया है, या फिर आगे देखेंगे तो हो सकता है आपका ओपीएस से यहाँ आगे भी निकल जाए, ठीक। अब आगे आ गया मिनिमम एसेट पेंशन, तो मिनिमम एसेट पेंशन में क्या है आपका कि ओपीएस में आपका 9000 प्लस डीआर है, यानी आपका बेसिक बहुत कम है, आपका कोई इंक्रीमेंट वगैरह नहीं लग पाया किसी कारणवश, फिर भी आपके रिटायरमेंट पे आपको 9000 प्लस डीआर ओपीएस में मिलता ही मिलता है, और ये यूपीएस में 10000 प्लस डीआर हो गया है, ठीक है। और इसमें ऐसा कुछ है नहीं एनपीएस में, एनपीएस हमेशा ख़राब है, ठीक। लेकिन यहाँ लड़ाई अब क्या चल रही है आपका ओपीएस और यूपीएस का। अब फिर एसोर्ड फैमिली पेंशन, फैमिली पेंशन में क्या था आपका, यहाँ पे 50% मिलता था ओपीएस वाले में, और आपका यूपीएस वाले में 60% हो गया है। और इसमें क्या है, अमाउंट एसोर्ड नहीं किया गया एनपीएस में, कहा जाए फैमिली पेंशन है ही नहीं, ठीक। अब इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड, यानी जिसको हम महंगाई भत्ता, महंगाई राहत कहते हैं, अगर आप ड्यूटी में हैं तो महंगाई भत्ता कहते हैं, डियरनेस अलाउंसेस, और अगर आप रिटायर्ड हो चुके हैं तो इसको महंगाई राहत कहते हैं, डियरनेस रिलीफ, जिसको डीआर शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। तो ये आपका ओपीएस में भी है, यूपीएस में भी है, लेकिन एनपीएस में कहीं भी नहीं है। अब मार्केट बेस्ड रिटर्न, जैसा कि आप जान रहे हैं कि आपका पैसा एनपीएस में पूरा शेयर में लगा दिया जाता है, तो मार्केट के हिसाब से आपको रिटर्न मिलता है, जो रिटायरमेंट में कुछ पैसा मिल जाता है और कुछ पैसा आपको उसमें से पेंशन में चला जाता है, ठीक है। 40% से 60% आप जानते ही हैं, ठीक। तो यहाँ पे क्या है, ये केवल एनपीएस में था, ओपीएस में बिल्कुल नहीं और यूपीएस में भी बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ भी प्लस पॉइंट है यूपीएस के मामले में। ग्रेच्युटी की बात करें, ग्रेच्युटी तीनों में था। अब बात करते हैं मेन पॉइंट, लमसम पेमेंट। लमसम पेमेंट में क्या हो रहा है, बहुत से लोग कन्फ्यूज़ हो जा रहे हैं कि है क्या चीज़ आखिर, ये कुछ नया वर्ड आ गया है, इसका मतलब क्या है। तो लमसम पेमेंट क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या है, लमसम पेमेंट का मतलब है कि जो रिटायरमेंट में आपको एक मुश्त पैसा मिलता है, जिसे इंग्लिश में एक्यूमुलेटेड फंड कहते हैं, ठीक है। जब आप रिटायर होते हैं तो कोई 50 लाख लेकर जाता है, कोई 60 लाख लेकर जाता है, कोई 1 करोड़ लेकर जाता है, जो भी है जिसका जितना अमाउंट बनता है उसी को लमसम पेमेंट कहते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि एनपीएस में 60% है और 40% आपका जो पैसा जमा होता है वो आपका पेंशन के लिए रख देता है शेयर में, ठीक है। और आपका 60% तुरंत मिल जाता है लमसम के मतलब फॉर्म में, यानी कि तुरंत एकमुश्त आपको उतना मिल जाता है 60%। और आपका क्या है ओपीएस में ऐसा कोई पैसा जमा होता ही नहीं जो गवर्नमेंट के पास जाए या किसी शेयर में लगे, आपके जीपीएफ अकाउंट में आप जितना कटवाएं उतना जाता है। तो जीपीएफ अमाउंट आपका पूरा फुल मिल जाता है, इसमें कोई 40% 60% का क्राइटेरिया नहीं होता है। तो ये लमसम पेमेंट में आपको ओपीएस हर हाल में सही है, ठीक। अब यहाँ पर अगर हम बात करें यूपीएस जो नया आया है, जिसमें आप लोग काफ़ी कंफ्यूज हो रहे हैं, तो इसमें क्या है, अप्रॉक्स 6 मंथ्स ऑफ सैलरी फॉर 30 ईयर्स ऑफ सर्विस, ठीक। अप्रॉक्स 30 ईयर्स क्यों लिखा है कि आपकी जब से मतलब सर्विस स्टार्ट हो रही है तब से हर 6 महीने पे 1 महीने का जो है आपका क्या लिया जाएगा, बेसिक प्लस डीए का 1/10 लिया जाएगा, यानी 6 महीने के कहे तो एवरेज, यहाँ भी एवरेज निकाला जाएगा, जैसे कि यहाँ 12 महीने का एवरेज था पेंशन के लिए, तो वैसे यहाँ 6 महीने का एवरेज निकाला जाएगा। यानी कि अगर हम बात करें कि प्रेजेंट में आपका बेसिक पे जो है 30,000 है, तो आपका डीए 50% चल रहा है तो 15,000 होगा, तो ये हुआ 45,000, ठीक है। अब 45,000 का 1/10 निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4,500, यानी 4,500 रुपये, यानी इस 6 महीने का 4,500 रुपये आपके अकाउंट में जाएगा। ये कहीं क्लियरली मेंशन नहीं किया गया है कि गवर्नमेंट देगी या आपसे काटा जाएगा आपके पैसे से, ठीक है। तो ये कहीं मेंशन नहीं है, तो यानी इसका मतलब ये गवर्नमेंट ही देगी, जबकि कंप्लीट जियो अभी नहीं आया है। तो ये 4,500 रुपये इस 6 महीने के लिए गवर्नमेंट आपको देगी, जो आपको एक्यूमुलेटेड फंड के रूप में मिलेगा या लमसम पेमेंट के रूप में मिलेगा, यानी जो एकमुश्त भुगतान होता है रिटायरमेंट पे वो मिलेगा। तो इस 6 महीने का आपको 4,500 हुआ, फिर अगले 6 महीने पे कुछ आपका बेसिक बढ़ सकता है, या फिर मान लीजिए मतलब डीए बढ़ता है, ठीक है। तो 30,000 का अगर डीए मतलब 53% कर देंगे तो वहाँ 15,000 हो रहा था, यहाँ थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। अपने अकॉर्डिंग आप लोग निकाल सकते हैं, 16,000 17,000 जो भी होगा, तो वो होगा। फिर उसका क्या करना है आपका, उन दोनों को ऐड करेंगे, यानी कि
30,000 प्लस जो 53% आएगा उसको ऐड करेंगे तो यहाँ पे आपका लगभग 46-47,000 जो भी होगा उसका 1/10 निकालेंगे यानी 10% निकालेंगे तो ये 4600-4700 जाएगा। तो ये हर 6 महीने पे ऐड होते जाएगा, ठीक है। अगर आपकी 30 साल से ऊपर की सर्विस है तो 30 साल ही काउंट करेंगे, ठीक है। इसके भी बारे में क्लियरली मेंशन है, इससे ऊपर का भी काउंट नहीं करेंगे बट 30 साल तक काउंट करेंगे। अगर 30 से कम है तो कम का ही काउंट करेंगे, यानी कि आपका जो लमसम पेमेंट है वो भी कम बनेगा अगर आपकी सर्विस कम है तो, ठीक है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है और ये उम्मीद है कि गवर्नमेंट अपने पास से देगी और ये किसी फंड में नहीं लगाया जाएगा, ये डायरेक्ट आपके अकाउंट में लगाया जाएगा। कौन से अकाउंट में डाला जाएगा इसका नाम कहीं भी मेंशन अभी तक नहीं है, लेकिन ये पैसा उम्मीद है अपने पास से गवर्नमेंट देगी, आपको नहीं लगाना है। आपका जो कॉन्ट्रीब्यूशन हो रहा है 10%, जैसे मैं स्टार्टिंग में बोला, वो टोटल आपके पेंशन में जा रहा है। यहाँ पे NPS में क्या था, जो 10% कॉन्ट्रीब्यूशन आपका था उसमें से कुछ पेंशन में भी जा रहा था, उसमें से कुछ लमसम पेमेंट में भी मिल रहा था। 60% आपका लमसम पेमेंट मिलता था, 40% पेंशन में चला जाता था। इससे पहले क्या था, 40% लमसम पेमेंट मिलता था और 60% पेंशन में चला जाता था, लेकिन इसका भी काफ़ी विरोध हुआ तो आपको 60% लमसम मिलने लगा और 40% पेंशन में चला गया, ठीक है। और जो पेंशन बेचने की बात आती है वो केवल OPS में मेंशन नहीं किया गया है, ये आपका UPS में कहीं भी नहीं है, ठीक है। कुछ लोग इसको भी लेकर गुमराह हो रहे हैं कि इसमें भी बेच सकते हैं, सेल कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। पेंशन बेचने का कोई ऑप्शन नहीं है UPS में, ये केवल OPS में है, तो केवल OPS में है। यानी यही वजह है कि OPS हर तरह से भारी पड़ रहा है और आपको OPS की लड़ाई अपनी जारी रखनी पड़ेगी, अदरवाइज आपको ही नुकसान होगा और किसी को नुकसान नहीं होगा। गवर्नमेंट तो कुछ बीच का रास्ता निकाली थी, जो बोले थे बीच का रास्ता निकालेंगे, और मैं बता दूं जो बीच का रास्ता निकला UPS का, ये कहां से आया, आंध्र प्रदेश मॉडल से आया है। आंध्र प्रदेश में इसको लागू किया गया था तो वहां पर क्या हुआ, कर्मचारियों ने काफी विरोध किया, वहां की सरकार गिर गई, दूसरी की गवर्नमेंट आ गई। तो ऐसा यहां पे केंद्र में भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि इन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दिया है जो बीच का रास्ता निकाल दिया है, जबकि जान रहे इसका पहले से ही विरोध हो रहा है। आंध्र प्रदेश में इसका भरपूर विरोध हो चुका है और जो गवर्नमेंट लाई थी उसकी सरकार गिर चुकी है, उसकी गवर्नमेंट गिर चुकी है, तो यहां भी ऐसा हो सकता है। तो आप लोग को अपना विरोध जो है कम नहीं करना है और बढ़ाना है, बताना है कि हमें केवल OPS ही चाहिए, हमारी डिमांड OPS थी, OPS से कम कुछ नहीं चाहिए, और पहले भी से कम कुछ नहीं हम तैयार थे, अभी भी OPS से कुछ कम के लिए हम तैयार नहीं होंगे, क्योंकि UPS का मतलब कुछ नहीं है, ये भी एक जुमला है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी के लिए बस इतना ही, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।